नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाली प्याज। हम जब भी किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी ढाबे पे जाते हैं और ये प्याज खाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये प्याज सिर्फ रेस्टोरेंट में मिल सकती है और हम इसे नहीं बना सकते, पर आप बड़ी ही आसानी से इस प्याज को घर में बना सकते हैं। जब कोई ओकेजन हो, कोई मेहमान आने वाले हो, तो आप इस प्याज की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सिरके वाली प्याज बनाने के लिए मैंने छोटी वाली प्याज ली है और मैंने यहाँ पे 15 के लगभग प्याज ली है और छोटे साइज की प्याज ली है और उसका छिलका उतार के रख लिया है। और इस तरह से देखिए, मैं इसमें कट लगा देती हूँ ताकि जो सिरका है वो अच्छे से प्याज के अंदर तक जाए और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा दे। तो इस तरीके से कट कर लेंगे प्याज को, आप देख पा रहे होंगे, और बस इसी तरीके से सारे प्याज को हम कट करके रख लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने सारे प्याज को कट करके रख लिया है एक साइड में, ये देखिए। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं 8 से 10 हरी मिर्चें और उसे भी हम 20 से लंबे स्लाइस में कट करके रख लेंगे। आप अगर तीखा नहीं पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, और अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो और भी हरी मिर्चें ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इस तरीके से हरी मिर्चों को कट करके रख लेते हैं लंबे स्लाइसों में। इसका टेस्ट सिरके में बहुत ही अच्छा आता है और प्याज को भी एक तीखापन देता है ये। तो आप इसे हरी मिर्चों को ज़रूर डालें इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे मैंने लंबे स्लाइसों में कट कर लिया है। आप चाहें तो इस अदरक के टुकड़े को ग्रेट कर लें, या फिर आपको अदरक नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इन सारी चीज़ों को हम कट कर देंगे और कट करके सिरके वाली प्याज में डालेंगे। बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अदरक को भी कट कर लिया है और अब इसे, इन दोनों चीज़ों को हम एक साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बीटरूट यानी चुकंदर, और जो प्याज का कलर होता है बहुत अच्छा सा देखने में, वो इस चुकंदर से ही आता है और चुकंदर सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस तरीके से चुकंदर को अच्छे से वॉश करें, फिर छिल के और इस तरीके से छोटे स्लाइसों में कट कर लें ताकि जो हमारी सिरके वाली प्याज है उसमें अच्छा सा कलर, अच्छा सा टेस्ट आए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कट कर लेंगे चुकंदर को और सारे चुकंदर को ऐसे ही कट करके रख लेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी लेके आते हैं तो आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अब हम गैस पे रखेंगे एक फ्राइंग पैन, और यहाँ पे देखिए फ्राइंग पैन मैंने गैस पे रख लिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। और अब मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी और पानी को गर्म होने देते हैं। यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल देती हूँ 5 लौंग, और लौंग डालने के बाद मैंने 8 से 10 काली मिर्च डाली है साबुत। लौंग और काली मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सिरके वाली प्याज में, तो इसे जरूर डालें। और जब से हमारा पानी बॉयल होने लगा है तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच चीनी, और उसके बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा नमक और डालेंगे क्योंकि सिरके वाली प्याज में नमक ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालना है। आपकी प्याज अगर ज़्यादा है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा नमक और चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने बारीक कटा हुआ बीटरूट डाल दिया है, और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से बॉयल करेंगे और ये जो हमारी चीनी है, नमक है, अच्छे से घुल जाएगी और बीटरूट का एक अच्छा सा कलर आएगा इस पानी में। तो यहाँ पे हम बॉयल कर लेते हैं, और अब पानी बॉयल हो चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। यहाँ पे देखिए, जो प्याज हमने कट करके रखी थी वो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, और जो हमने बनाया था पानी वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो मैं इसमें हरी मिर्चें और अदरक जो हमने पहले ही कट करके रखा था उसे डाल लिया है, उसके बाद डाल देंगे ये पानी। तो ये देखिए, ये जो हमारा लिक्विड है बीटरूट का, ये सारा डाल देंगे, बीटरूट में इसी में डाल देंगे हम। और उसके बाद डाल देते हैं भर के 1 कटोरी सिरका या विनेगर, यहाँ पे वाइट सिरका मैंने लिया है, इसे डाल देते हैं और इसे हम 24 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे कि ओवरनाइट रखने के बाद जो हमारी प्याज है उसमें अच्छे से अंदर तक इस सिरके का रस चला गया है, आप देख पा रहे होंगे। आप जितना ही इस प्याज को रखेंगे, यानी 2 दिन 1 दिन और रखेंगे, तो बिल्कुल इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा
और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अंदर तक सिरका चला गया है। तो आप इस तरीके से अपने घर में प्याज बनाएं, रेस्टोरेंट वाली सिरके वाली बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप इसे बना के 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, और जो इसका पानी बच जाता है उसे भी आप खा सकते हैं, या फिर उसमें प्याज डाल के और बना सकते हैं। बाय बाय।